बेहतर है। हम कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ में मनोरंजन जरूरी, ताकि पढ़ने लिखने में भी मन लगता रहे और बीच बीच में अपना मनोरंजन करते रहें। और ऐसे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ऐसे अवसर हमको कभी कभी मिलते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि हमको ये मिलता रहे। और इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी को या सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अच्छी है, मैंने वो भी देखी है, शाहरुख खान वाली भी, और उससे नेचुरली बहुत बेहतर है। और कैसा लगा आपको? बोली बोली, इस फिल्म में जो स्लो है, बहुत चीजें शॉट्स अलग अलग दिए हुए हैं, अच्छा है, वो बेहतर है जो इस तरह के मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग है। और इसमें एक अलग तरह का फ्लेवर है जो आपको कमर्शियल सिनेमा में नहीं मिलेगा। थैंक यू। दुविधा देखी? हाँ, दुविधा। कैसी लगी? अच्छी मूवी है, एटलीस्ट उसकी रीमेक से तो बहुत ही अच्छी है। कौन सी रीमेक थी? पहली। कैसे लग रहा है आयोजन आपको? कल की मूवी ज्यादा अच्छी थी, गिरीश सर की मूवी तो बहुत ही अच्छी थी, वो कन्नड़ मूवी जो थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। और ये एग्जीबिशन? और एग्जीबिशन भी अच्छा है, कल देखा था, और सीडीज तो बहुत ही अच्छी। दो बीघा जमीन कैसी लगी? बहुत शानदार। क्या शानदार था फिल्म? देखिए, उसमें जो जमीन तैयार की गई थी, बेस जो था जो फिल्म का, कि किस तरह जो है एक व्यक्ति जो है जमीन के लिए अंतर्द्वंद्व करता हुआ जी रहा है समाज में, और किस तरह के समाज है, किस तरह के काल है वो, जो है कि जमींदारों के शोषण में जो है व्यक्ति जो है पीछा चला जा रहा है, तो उसको अंत नसीब क्या होता है, वही केवल मिट्टी। तो वो जो है जो विषय वस्तु थी जो है फिल्म की, मुझको काफी अच्छी लगी। और कथानक तो काफी टैलेंटेड था। हमको लगता है कि प्रेमचंद के ऊपर कहानी उपन्यास के ऊपर आश्रित ये सब सारी फिल्में जो है हमको बेहद रोचक लगती हैं। और बाकी आज फिर शाम को देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। और आपको कुछ और जानना हो तो पूछिए। ये आयोजन कैसा लग रहा है आपको? आयोजन तो भाई बड़ा फैंटास्टिक लग रहा है। कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ तो, ऐसे पहले जो है कला मेला का आयोजन होता था वो बंद हो गया, इसी तरह कुछ और जो है प्रोग्राम हुआ करते थे वो भी बंद हो गए, लेकिन आज ये सब आयोजन देख के जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जीवित है। और कोई इस तरह का कुछ होता है क्या इलाहाबाद में? इलाहाबाद में अभी आप कहना कि जो है कला मेला का आयोजन हुआ करता था और सेमिनार वेमिनार हुआ करते थे, ऐसे ऐसे जो संगीत के आयोजन हुआ करते थे, ये सब बंद ही हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, आज जो है अगर ये सब हो रहा है तो देख के जो है ऐसा लगता है कि हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है अभी जो है कुछ ऐसी चीज है जो जीवित है, और लोग कर रहे हैं इसको जो है, और खासकर इनका ये आयोजन काफी अच्छा लगा। नहीं, क्यों जरूरत होती है इस तरीके के आयोजन? जरूरत है भैया, जानते हैं आज के समाज को ये बहुत आवश्यक है। अगर आप उस परिस्थिति में ही इन सब चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या मतलब कि हम उन परिस्थितियों को बिल्कुल जान ही नहीं पाएंगे, उसको नकार देंगे। हम उस काल के बारे में जान ही नहीं पाएंगे जो लोग जीकर संघर्ष करके जो है इतना मतलब कि अपने आप को ढाल चुके हैं, उस शोषण के बारे में नहीं जान पाएंगे। आज लोग जो है जो मजाक बनाते हैं कि हाँ, ये शोषित वर्ग है, अगर हम फिल्में नहीं देखेंगे तो कैसे जानेंगे हाँ शोषित वर्ग रहे हैं? या तो हम साहित्य के बारे में साहित्य पढ़कर जानेंगे, या नावल पढ़ के जानेंगे, या कहानियां पढ़ के जानेंगे, हैं इन्हीं सब के माध्यम से जान सकते हैं। ये भी हमारे एक माध्यम ही है जो है उन सब लोगों के बारे में जानने का। बहुत अच्छी लगी है। क्या अच्छा लगा फिल्म में? क्या अच्छा लगा फिल्म की? पुराने दौर तरीके से है जो बनी, वो सब अच्छा लगा। ऐसी एक फिल्म अभी बनी? हाँ, पहली है, पहली इसी के आधार पर बनी है। कैसी वो, उसमें और उसमें क्या फर्क लगा? आयोजन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या इस तरह का आयोजन और यूनिवर्सिटी में होता है? पता नहीं, हम तो पहली बार इसमें आए हैं, अभी हमारा बीए का कुछ किया। कल किसी ने देखी फिल्म? कल भी नहीं देखी? अच्छा, बाहर वाली एग्जीबिशन
देखिए कैसी लगी? नहीं बहुत अच्छी लगी। क्या हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ जब से आए तब से ऐसी कोई चीज नहीं देखे है जिससे हम लोग बात में संतुष्टि हो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कौन सी यार? सर फर्स्ट ईयर, क्योंकि सर यहाँ दंगा फसाद और इसके सिवा और कुछ नहीं पा रहे थे। आए दिन क्लासें बंद हो रही है सर, लेकिन कुछ ऐसी संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि ऐसा भी होता है। मेन बात ये अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पर। अच्छा, क्या इस तरह का कोई और आयोजन इलाहाबाद में होता है क्या? अभी तो कोई नहीं, पहली बार सब लोगों को बाहर कर दीजिए। स्थापना दिवस मनाया जाता है सर, एनुअल फंक्शन होता है डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, और सब तो कुछ नहीं। Thank you.